एक दिन के आराम के बाद यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। सांसद राहुल गांधी ने पोला या थोदू से शुरू की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई भारी भीड़। मिशन दक्षिण पर कांग्रेस, कर्नाटक में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कई दिग्गजों का नाम आगे। फिर राजस्थान में पंजा मारने की तैयारी में कांग्रेस, नैनवा में सीएम गहलोत का दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात। अन्नाद्रमुक में किया विरोध प्रदर्शन, तमिलनाडु के मदुरई में किया गया प्रदर्शन, बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ जताया विरोध। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली की शराब नीति को लेकर मचा है बवाल। सीएम केजरीवाल ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, अगर ईडी सीबीआई का ऐसे ही इस्तेमाल हुआ तो नहीं होगा देश का विकास। एससीओ समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, अपने संबोधन में बोले पीएम, भारत में 70,000 स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, मामले का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, एसपी बोले खुलासे चौंकाएंगे। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने फैलाई दहशत, दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस आया सामने, नाइजीरिया की महिला हुई संक्रमित। कोरोना के मामलों में जारी गिरावट, भारत में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 6,298 नए मामले आए सामने, 23 लोगों की गई जान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर ट्रोल हुए पाक के पूर्व पीएम, इमरान खान बोले पाकिस्तान में आटा 100 रुपए लीटर, ट्रोलर्स बोले बोतल में खरीदते हो आटा। नस्लीय भेदभाव के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की दो टूक, जो बाइडेन बोले अमेरिका में श्वेतों को सर्वोच्च मानने वाली मानसिकता, घृणा अपराध के लिए नहीं है स्थान। फिर यूक्रेन की मदद को आगे आया अमेरिका, यूक्रेन के लिए खुला खजाना, कई सैन्य सहायता का ऐलान। एलन मस्क ने ट्विटर पर लगाया डेटा सुरक्षा खामियों का आरोप, कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा $44 अरब के ट्विटर सौदे को खत्म करने की दी जाए अनुमति। पाकिस्तान में बाढ़ से भयावह हालात, $3,000 करोड़ का हुआ नुकसान, 1,486 लोगों ने गंवाई जान। सोने चांदी के भाव में जारी गिरावट, 49,000 के करीब आया सोना, 56,000 के नीचे आई चांदी। बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, 5 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए पहुंचेगा पतंजलि का टर्नओवर, पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के आएंगे आईपीओ। ब्रह्मास्त्र के रिव्यू पर केआरके का ट्वीट, मैंने रिव्यू नहीं किया लेकिन फिर भी लोग इसे थिएटर्स में देखने नहीं जा रहे हैं तो ये डिजास्टर हो गई है। ड्रीम होम्स विद गौरी खान, कैटरीना से लेकर मलाइका तक के घर डिजाइन करेगी गौरी खान, शाहरुख खान ने की शो की अनाउंसमेंट। वर्ल्ड कप को लेकर अर्शदीप के पिता का बड़ा बयान, बोले भारत जीतेगा वर्ल्ड कप, ट्रोल करने वालों का मुंह नहीं बंद कर सकता, बेटे ने 2018 में भी टीम को बनाया था विश्व विजेता।